नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो आलमिक्स चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण पौधे जो कि दिव्य चमत्कारी औषधीय गुणों से भरा हुआ है, इसके अंदर उस पौधे से आपको परिचित कराऊँगा और ऐसे परिचित कराऊँगा कि आप इसके बारे में, फ़ायदे के बारे में अगर जानोगे तो सच में आप भी इस पौधे को ढूंढ करके कहीं से ला करके अपने घर आंगन में लगाओगे और हमेशा इसका फ़ायदा उठाओगे। क्या हुआ कि मैं एक बार अपने ही गांव में इधर उधर जड़ी बूटी की तलाश में घूम रहा था, आप लोगों को पहचान कराने के लिए कोई औषधि ढूंढ रहा था, तो मुझे एक घर के बाहर में जहाँ कूड़ा करकट कचरा फेंका जाता है वहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छी औषधि नज़र आ गई, जिसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इसकी कोई कद्र नहीं है, इसे कोई पहचानता ही नहीं है, इसको ऐसे ही कचड़ा समझ करके यहाँ पे लोग इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में कोई जानते ही नहीं है, इसीलिए शायद इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। यहाँ पे कचड़ा में, कूड़ा करकट में यह बेचारा पौधा उगा हुआ है और अपने गुणों के साथ बिना खाद पानी मिट्टी डाले ही अच्छे से पल बढ़ रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी पहचान और गुणवत्ता बता के मैं इसको अच्छे से जगह में उगाऊंगा। तो जैसे ही मैंने घर वालों को इसके बारे में बताया और इसके फायदे के बारे में बताया तो वे लोग आश्चर्यचकित रह गए और इसको तुरंत यहाँ से निकाल करके अपने घर के पास ले गए और उसे वहाँ लगा करके रखे जहाँ वे लोग आसानी से हर दिन पानी दे सकें और इसकी केयर कर सकें, देखभाल कर सकें। तो इस तरह से मैंने इसके फायदे के बारे में जब उन लोगों को बताया तो वे लोग इसे कूड़ा करकट से उठा करके घर में इसको उगाने लगे और इसमें हर दिन पानी डालने लगे। तो यह कोई मामूली पौधा नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे देख करके पहचान लीजिए। इस पौधे को पत्थर चट्टा कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि पत्थर जैसे बीमारियों को चट करने वाला, पूरी तरह से चाट देने वाला, खत्म कर देने वाला यह महान दिव्य औषधि पत्थर चट्टा का औषधि है, इसीलिए इसे पत्थर चट्टा नाम दिया गया है। प्राचीन जमाने के जो ऋषि मुनि हैं वे लोग यह बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है और पूरी तरह से पत्थर जैसे बीमारी को भी चाट देता है। तो इसकी पहचान आप लोगों को मैं करा देता हूँ। देखिए इसके पत्ते को, इसके पत्ते का डिजाइन इस तरह से होता है और बहुत ही सॉफ्ट और चिकना होता है। इसके पत्ते को यदि तोड़ करके खा करके देखोगे तो यह सबसे पहले तो आपको खट्टा लगेगा, हल्का खट्टा कसैला टाइप का लगता है और चबाते रहने से मुंह में एक तरल चिपचिपा पदार्थ के रूप में बन जाता है और उसे इसी तरह से खाया जाता है। इस पत्ते को यह पूरी तरह से जड़ से लेकर पत्ती तक सॉफ्ट और चिकना मुलायम होता है, छूने से बहुत ही अच्छा फील होता है। और इसको उगाने की बात मैं करूं तो इसको आप कभी भी कहीं भी, आपको इसका अगर पत्ता भी तोड़ करके अपने घर में ले जा करके उसको गीली मिट्टी में मिट्टी डाल करके दबा देते हो, थोड़ा सा पत्ते को ऊपर हवा पाने के लिए निकाल देते हो और नीचे कुछ मिट्टी डाल के दबा देते हो तो भी यह सिर्फ इसका पत्ता वहाँ जीवित हो जाएगा और पत्ते से तने निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पत्ते से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वही पत्ता एक पौधा बन जाएगा एक दिन। मतलब इसके पत्ते को भी आप तोड़ करके उगा सकते हो, तने को भी तोड़ करके उगा सकते हो, किसी भी भाग को आप काट करके पानी वाले जगह में मिट्टी, गीली मिट्टी आप उसे घुसा करके रख करके छोड़ दीजिए, 2-3 दिन में यह आपको कुछ अलग ही नज़र आएगी, मतलब उसमें जान आ जाएगी, फिर से नया करके जिंदा होकर के बढ़ने लगेगा। तो इस पत्थर चट्टा के क्या क्या फायदे हैं आप लोगों को भी बता देता हूँ ताकि आप लोग भी इस पौधे की केयर करें और इसे सिर्फ सुंदरता के लिए घर में ना लगाएं, इसका औषधि लाभ भी लें। क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, यह गार्डनों में, घरों में, आंगन में लगाए रहते हैं और पता नहीं वे लोग इसका औषधि प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं जो इसका औषधि प्रयोग बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रमाणिक है। आप हमेशा इसका अभी जो बताऊँगा उस तरीके से फ़ायदे ले सकते हो प्रयोग करके। तो सुनिए, 2-4 दिन ही आप इस पत्थर चट्टा के पत्तों को, एक पत्ता या दो पत्ता, अगर छोटा पत्ता है तो 2 पत्ता और बड़ा है तो 1 पत्ता, प्रतिदिन 2 पत्ते खाली पेट खा करके सुबह सुबह बासी मुँह ऊपर से आधा एक गिलास गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए। बस इतना ही करना है आपको, कोई तामझाम झंझट पालने की आवश्यकता नहीं। सुबह उठ करके बासी मुँह में बिना कुछ खाए पिए कूला ब्रश किए इसके पत्ते तोड़ना है, 1 पत्ता मुंह में डाल के उसे अच्छे से चबाना। अच्छे से चबाने का मतलब
मुंह में दबाने के बाद उसे दांतों से रगड़ रगड़ के अच्छे से चबाइए और उसको पूरी तरह से दांतों में पीस लीजिए। पीसने के बाद जब वह पूरी तरह से लार के साथ मिक्स हो जाए तो उसका रस मुंह में भर जाए तो उसके रस को आपको घूट घूट करके आराम से पीना है। उसका जो तरल पदार्थ लार में मिलेगा उसको घूट घूट करके पीना है। उसके बाद आधा एक गिलास पानी को भी आपको बैठ करके घूट घूट करके पीना है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो आप सुबह शाम दोनों इस प्रयोग को कर सकते हो। अगर कोई समस्या नहीं है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसे सिर्फ सुबह खाली पेट एक पत्ता चबा करके गर्म गुनगुना पानी पीना है। इस तरह से अगर आप खा लेते हो एक पत्ता या दो पत्ता प्रतिदिन खाली पेट, तो 2 से 4 दिन में ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा खाने से आपके हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपके शरीर में, पेट में यानी कब्ज बनना दूर हो जाएगा, गैस बनना दूर हो जाएगा। आपकी जो सर में दर्द रहती है आधा सीसी, वह आधा सीसी का सर दर्द भी गायब हो जाएगा। इस तरह से प्रयोग करके, इस तरह से इस पत्तों को खाते रहने से आपकी खून की सफाई हो जाएगी। जिन्हें हार्ट अटैक आता है उन्हें हर रोज बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि यह दिल के रोग के लिए, हृदय की बीमारियों के लिए अचूक रामबाण औषधि है। और सबसे ज़्यादा असर इसका पथरी रोग में भी होता है। यह पथरी रोग को पूरी तरह से नष्ट किए बिना रुकता ही नहीं है। बड़े से बड़े जो पथरी का इलाज कराने के लिए इधर उधर भागते थे, बहुत पैसा खर्चा कर चुके थे, वे लोग भी इस पत्थर चट्टा से अपने पथरी को जड़ समेत समूल नष्ट कर चुके हैं और वे भी आज इस पत्थर चट्टा का सेवन प्रतिदिन करते हैं। पत्थर चट्टा शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि यह पत्थर जैसे पथरी को, किडनी के स्टोन को पूरी तरह से पिघला करके, गला करके, मूत्र मार्ग से, मल द्वार से, हर तरफ से, पसीना के माध्यम से पूरी तरह से निचोड़ करके बाहर फेंक देता है। यह पत्थर चट्टा सच में पथरी को चाट देता है। और सभी फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ सुबह उठ करके खाली पेट चबा चबा करके खाना है बस, और ऊपर से गर्म पानी पीना है। इतना करने के बाद अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स, फायदे मिल रहे हैं, तो यह आपके लिए संजीवनी बूटी से कम थोड़ी ना है। और यह पथरी को ही नहीं, बल्कि इसके लगातार सेवन करते रहने से रिएक्शन तो कोई करेगा नहीं, ये तो आप भूल जाओ कि इसके पत्ते खाने से किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि 100% लाभ ही होगा। और वो एक और गजब का लाभ क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका पेट चर्बी बढ़ा हुआ है कि पेट की तोन निकल चुकी है, जगह जगह से मांस निकल रहे हैं, वजन बढ़ रहा है तेजी से, और वे थोड़ी बहुत मेहनत करके थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है, क्यों नहीं फूलेगा, उनका चर्बी तो ऑलरेडी उनको कब्जे में ले चुका है। ये चर्बी ही तो है जो आदमी को बेडौल, बदसूरत और कमज़ोर बनाता है। तो सबसे पहले तो ज़िंदगी में अगर निरोग रहना है तो इस पत्ते को सुबह सुबह खाली पेट ज़रूरत के हिसाब से अवश्य खाइए, और अपने चर्बी को भी गलाइए, कब्ज को भी दूर भगाइए, गैस, एसिडिटी, मोटापा भूल जाइए, दिल को मजबूत कीजिए, गुर्दा किडनी को सेहतमंद और स्वस्थ रखिए, तभी आप एक संपूर्ण सेहतमंद इंसान बन करके जी पाओगे। और हमेशा स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ सोच रहेगी तो हमेशा अच्छे कार्य ज़िंदगी में करते रहोगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।